नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग देख पा रहे हैं, राजस्थान की सरकार को लेकर अभी जो माहौल बना हुआ है वो सभी के मन में एक प्रश्न चिन्ह बन चुका है कि राजस्थान सरकार के साथ आगामी समय में क्या होने वाला है। ऐसे में आपके भी बहुत से कमेंट आए कि राजस्थान सरकार क्या अशोक गहलोत की सरकार गिरने वाली है, क्या सचिन पायलट बीजेपी के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। इन सभी गणना को लेकर आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं और बताऊंगा कि राजस्थान सरकार के साथ आगामी समय में जो वर्तमान समय की गतिविधियां देखने को मिल रही है ये अशोक गहलोत की सरकार को गिरा देगी या फिर अशोक गहलोत अभी भी वर्तमान समय में अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि राजस्थान सरकार गिरने वाली है। इसमें मेरी कैलकुलेशन क्या कहती है उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मित्रों, यहां जो अशोक गहलोत जी की कुंडली का डिटेल मैंने नेट से प्राप्त किया है वो है 3 मई 1951 9:30 AM और प्लेस ऑफ बर्थ है जोधपुर। वहीं सचिन पायलट जी का जो डिटेल मुझे प्राप्त हुआ है वो है 7 सितंबर 1977 12 PM और सहारनपुर। अब यहां जो कैलकुलेशन मैं अपनी गणना के अनुसार निकाल पाया हूं तो अशोक गहलोत जी को राहु की महादशा चल रही है, राहु में राहु का अंतर चल रहा है और गुरु का प्रत्यंतर चल रहा है। राहु इनके भाग्य भाव में कुंडली के कारक ग्रह होकर बैठे हैं क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली है और गोचरी अवस्था के अंदर अभी ये उच्च के होकर लग्न में ही बने हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति स्वैराशिस्त होकर इनके कर्म भाव में बने हुए हैं। यह योग पूर्णतया दर्शा रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार अभी नहीं गिरने वाली। जो ग्रह योगों की स्थितियां पूर्ण रूप से बलवान बनी हुई है यह पूर्ण रूप का संकेत दे रही है कि अशोक गहलोत अभी भी अपनी सत्ता के ऊपर बने रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच मैं अपनी गणना के अनुसार नहीं देख पा रहा। बहुत से एस्ट्रोलॉजर दावा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार गिरने वाली है, किंतु एक दावा मैं भी कर रहा हूं कि अशोक गहलोत की सरकार नहीं गिरेगी। बात करें यदि सचिन पायलट जी की तो सचिन पायलट जी की कुंडली के अंदर वर्तमान समय में शनि की महादशा चल रही है और शनि इनकी कुंडली के अंदर समग्रह बने हुए हैं, कर्म भाव के अंदर बैठे हैं। किंतु अंतरदशा की बात करें तो अंतरदशा में शनि में चंद्रमा चल रहे हैं जो कि भाग्य भाव के मालिक होकर इनकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। और शनि में चंद्रमा की जब भी दशा अंतरदशा चलती है तो मित्रों ये विषय योग की दशा कहलाती है। और साथ ही यहां शनि जो है इनकी कुंडली में समग्रह है, वहीं अशोक गहलोत जी की कुंडली में राहु यहां कुंडली के योग कारक ग्रहों की संख्या में आते हैं। तो वही देवगुरु बृहस्पति अति योग कारक स्थिति के अंदर स्वराशस्थ होकर कर्म भाव में बैठे हैं। ये योग पूर्णतया संकेत दे रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार वर्तमान समय में किसी भी कंडीशन में नहीं गिरेगी। हां, इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि 16 जुलाई के पश्चात जो सूर्य की संक्रांति परिवर्तित हो रही है उसके पश्चात यदि सचिन पायलट जी की तरफ से ऐसे कोई कदम लिए जाते तो निसंकोच यहां पर अशोक गहलोत की सरकार को गिरने का खतरा हो सकता था, किंतु ये 16 जुलाई से पहले की गतिविधि करी गई है और यहां पर ये योग जो बन रहे हैं वर्तमान समय में ये पूर्ण संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस सरकार अभी भी राजस्थान के अंदर बनी रहेगी। बात करें यदि सचिन पायलट जी की तो यहां पर सचिन पायलट जी के कुंडली के जो ग्रह योग हैं ये इनका फेवर करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इस मझधार में आकर फंस जाएंगे कि ना ये कांग्रेस के सही ढंग से हो पाएंगे ना ही ये बीजेपी के अंदर सही ढंग से अपना पद प्राप्त कर पाएंगे। किंतु अगस्त के पश्चात एक योग जो अंतर प्रत्यंतर दशा के अंदर आ रहा है वो 4 महीने का योग इनके साथ इस प्रकार का बनकर आएगा जहां पर इनके द्वारा कोई निर्णय जो वर्तमान समय में लिए जा रहे हैं उनका पक्ष इनके फेवर में अगस्त के पश्चात 4 महीनों में देखने को मिले। किंतु वर्तमान समय की जो गतिविधियां कुंडली के माध्यम से देख पा रहा हूं ये पूर्णतया का संकेत दे रहे हैं कि सचिन पायलट जी का यह पश्चाताप युक्त डिसीजन कहा जा सकता है। इसी के साथ अशोक गहलोत जी के सितारे पूर्णतया उनके फेवर में बने हुए हैं और ये सरकार उनकी बिल्कुल भी नहीं गिरने जा रही है। तो ज्योतिष गणना के अनुसार जो इंटरनेट से मुझे डिटेल प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैंने आपको फलादेश कर दिया है और इस कैलकुलेशन के ऊपर मैं पूर्णतया कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूं। आशा करता हूं मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए